विदिशा के रामलीला चौराहे के पास परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने पैसे के लेन देन में हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि विदिशा के ही कुछ लोगों ने मृतक ओम प्रकाश सेन से 13,000 रुपए लिए थे, उसके साथ मारपीट भी की और फिर जहरीला पदार्थ खिलाकर रंगई क्षेत्र में उसको फेंक दिया। भोपाल में इलाज के दौरान इस शख्स की बाद में मौत हो गई। परिजनों और रिश्तेदारों ने शव रखकर जिसके बाद इस मामले को लेकर चक्का जाम किया है। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। भैया को इंसाफ चाहिए, मेरे भैया को इन्होंने मारा, कर्जा में मारा और ब्याज लगा लगा के पैसे लेते थे जी। अशोक प्रजापति, बल्ला भैया, टोकर चंदन प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, राहुल खटी, नीता फाटक, मनोज साहू, इसने 12,000 गाड़ी के लिए थे भैया ने, मैंने इन्हें 15,000 मांग रहा था, गाड़ी नहीं दी भैया, मारा इसने, मार के मार के बैग का कनका को जहर दिया था कनके था।